नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास स्थित ऋषभ बिहार से। यहाँ पे पिछले 26 तारीख से यानी 26 दिसंबर से जैन समाज के कुछ लोग यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन्होंने खाना और जल तक त्याग रखा है या किसी तरह का कोई अन्न नहीं ले रहे और ना ही पानी पी रहे हैं। ये कहें सीधा अपनी जान की आहुति देने के लिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। इसमें एक महिला और एक पुरुष भी हैं। इन सभी का कहना है कि सम्मेल शिखर, जो कि हमारा जैनियों का सबसे ज़्यादा पूजने वाला तीर्थ स्थल है, इसको जो झारखंड सरकार ने यहाँ पे उसके खिलाफ एक जो आदेश लेके आई है, हम उसको एक तरीके से ये कहें तो बहिष्कार करते हैं। हम ऐसा कोई भी नियम अपने इस जो हमारा तीर्थ स्थल है यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यह तीर्थ स्थल के बारे में झारखंड सरकार नियम क्या लेके आई है। असल में झारखंड सरकार ने इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर दिया है, जबकि यहाँ पे जितनी सादगी और जितना इसका मान सम्मान जैन समाज के सामाजिक लोगों के में है, जो यहाँ के लोग इसको मानते हैं, जिस तरीके से इसको पूजते हैं, वो इसको कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण था कि पिछले काफ़ी दिनों से इसको लेके जैन समाज में जबरदस्त गुस्सा है। पूरे दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन और अपना धरना वो लोग कर रहे थे। हालांकि एक बात की तारीफ करनी होगी कि कहीं भी इन्होंने कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने दिल्ली हो या बॉम्बे हो, बॉम्बे में भी इसको लेके यानी मुंबई में भी इसको लेके काफ़ी बड़ा एक जुलूस निकला, एक ये कहें कि वहाँ पे अपना गुस्सा प्रदर्शन के रूप में इन्होंने सड़कों पे चलकर निकाला। मगर मजाल है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना की बात आपको सुनाई दी हो या दिखाई दी हो। कई लोगों को दिल्ली हो या मुंबई की बात करें, कई लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई अनशन, ऐसा कोई धरना प्रदर्शन चल रहा था। यह समाज की तारीफ करनी होगी, क्योंकि इनके समाज में यह सिखाया जाता है कि हम जीव हत्या क्या, हम तो किसी भी प्राणी को टच भी नहीं करते, हम उसको मारने की और उसकी हत्या करने की तो बात दूर की बात है। इसी को यहां पर इन्होंने प्रदर्शित भी किया। कहीं पे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 26 तारीख से लेके 1 जनवरी तक, यानी 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, यह लोग लगातार दिल्ली और मुंबई और पूरे देश में ही प्रदर्शन करते रहे, मगर कहीं कोई घटना नहीं हुई। फिर अभी इन्होंने 31 दिसंबर को ही इन्होंने अपना प्रदर्शन थोड़ा सा तेज किया। 1 तारीख यानी 1 जनवरी को यह लोग सभी इंडिया गेट गए और इन्होंने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। वहां पे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए यह लोग गए थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपना गुस्सा, अपना जो रोष है, इस तरीके से प्रकट किया कि यहाँ पे इन्होंने जितने भी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपने बालों की आहुति दी, अपने सर मुंडवाए और अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट किया। आखिर झारखंड सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह फैसला क्यों लिया? यह सब देखने वाली बात है कि और किसी समाज पे क्या कोई भी सरकार इस तरीके का प्रहार करती है, मगर जो नहीं बोलता उसके खिलाफ इतने बड़े बड़े फैसले क्यों लेती है? एक धार्मिक स्थल को उन्होंने पर्यटक स्थल में क्यों कन्वर्ट किया, क्यों उसके ऊपर वो इस तरीके का फैसला लेके आ रहे हैं? बस इसी चीज का गुस्सा जैन समाज के अंदर है। हालांकि सांसद मनोज तिवारी, उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी 1 तारीख की शाम को वहां गए और उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि आप 15 दिन हमें दीजिए, 15 दिन के बाद आपको जो करना है करिएगा, मगर 15 दिन में हम इस फैसले को वापस कराएंगे, हमारी बातचीत चल रही है। और जो लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे थे, उनको जल ग्रहण कराया, उनको पानी पिला के उनका आमरण अनशन खत्म करवाया और साथ ही साथ उनको विश्वास दिलाया कि आप घबराइए नहीं, कोई भी आपके इस सम्मेलन शिखर को टच भी नहीं कर सकता, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। आप खुद देखिए उन्होंने क्या कहा। नहीं आऊंगा या मेरा आपसे काम नहीं पड़ेगा, काम इसके पहले भी था
इसके बाद भी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी हमारे वीरेंद्र जी ने भी बात किया, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने संजय जी को भी ना नहीं कहा है, वो अपनी जो कार्य विधि है उसमें करके उसको निकाल रहे हैं। तो मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि ऐसी बिल्कुल शंका मत करिएगा। आप नारा लगा रहे थे ना श्री संदेश शिखर हमारा है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आपका है और दुनिया की कोई ताकत उसको एक छू भी नहीं सकती है। आप तो ये कैसे मन में आ गया कि सिर्फ आप ही को उसके लिए लड़ना है? ऐसा नहीं है, हम सब लड़ रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप हमें 15 दिन का मौका दे दीजिए, 15 दिन में आपको सारा नोटिफिकेशन लेके आपके